चली बस सवेरे काठ गोदाम पहुंचे, ड्राइवर ने कहा एक घंटे के लिए रोक रहे हैं, जिसको हाथ मुंह धोना हो धो लो, एक घंटे बाद चढ़ाई चालू करेंगे। हम लोगों ने चाय आए पिया, हाथ मुंह धोया, उतनी देर में वो दारू पिया हुआ एक पौआ मार ही आया ड्राइवर। और उसके बाद उसने बताना, हमने कहा कि हम लोगों का चाय पिलवाए हो, तुम दारू पिया हो। बोला हम दिल्ली में रहते हैं, चाय हमारे मकान से 20 मकान आगे मिलती है और दारू बिल्कुल बगले में मिलती है, तो टाइम खराब करे इसका फायदा हमका भी बात समझ में आई। अब सुनिए मेन जो उसने भी बस में सबको बैठाला, नैनीताल की खड़ी चढ़ाई, उसने फर्स्ट गियर लगाया और 50 की स्पीड से गाड़ी उठाई। अब जहां मोड़ पे लोग 10-20 की स्पीड पे चलाते हैं, वहां 80 की स्पीड पे चला रहा उस तीज और मोड़ रहा, और हर मोड़ पे चिल्लाता था जय श्री राम। अब फिर आगे चला, फिर मोड़ आया, फिर उसने मोड़ा और फिर चिल्लाया जय श्री राम। अब मिर्जा फैमिली बगल में बैठी थी, उसमें इरफान भाई थे, जब्बार भाई थे, मिर्जा जी थे, मिर्जा की अम्मा थी, मिर्जा की बीवी थी। हमने उनकी तरफ देखा, मिर्जा की अम्मा ने हमको बुलाया, उन्होंने कहा भैया ये जहां 20 की स्पीड पर चलनी चाहिए वहां 80 पे चला रहा और हर मोड़ पे जय श्री राम चिल्लाता है। मान लो गाड़ी पलट गई तो जय श्री राम तुम लोगन का तो बचा ले। अरे उनका ये पता चलिए कि ये मिर्जा की अम्मा है, ये शकील भाई हैं, ये सलीम भाई हैं, तो हम लोगन का क्या हो। हमने कहा देखो ड्राइवर जो है जात का बस्ती है, अब वो अल्लाह अकबर तो चिल्लाई ना, चिल्लाएगा वो जय श्री राम। तब तक का फिर एक मोड़ आया, उसने फिर बड़ी जोर से दौड़ाई गाड़ी और जय श्री राम चिल्लाया। इस बार हमने देखा बस से 10 लोग चिल्ला रहे हैं, पलट के देखा तो मिर्जा की अम्मा भी जय श्री राम बोल रही है, मिर्जा के पप्पा भी जय श्री राम बोल रहे हैं, शकील भाई भी जय श्री राम बोल रहे हैं। हमको इतनी खुशी हुई, हमने कहा जो काम योगी मोदी इन लोगों से 10 साल से कराना चाहते थे वो हमारा ड्राइवर एक कौवा लगा के करा रहा। म्यूजिक ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है। अच्छा बात